जय हिंद जय भारत। दिस इज श्रद्धा खुदूस फ्रॉम 24 न्यूज़ हक की आवाज। कम लेट्स सी टुडे स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद जय भारत। वेलकम टू 24 न्यूज़ हक की आवाज। सम 8047 स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कांस्टेबल्स इंक्लूडिंग 2338 वुमेन were inducted into State Police Department during a passing out parade that was held in Petla Burj Ground at 8:45 a.m. on 21st November 2024, this Thursday. These constables belong to different wings of the Police Department and completed a 9-month rigorous basic induction training which began in February this year. This is also the first time at least 15 nursing mothers with children below 1 year old were part of the training. Along with the children, they were accommodated in RBVRR Telangana Police Academy, and women constables were provided to assist these women at the academy during their training. This batch reflects the police department's commitment to fostering a gender diverse and inclusive police force, said Academy Director Abhilasha Bisht. Officials also said that this is the largest batch trained under a progressive curriculum that integrates both traditional and modern law enforcement techniques. This batch also received specialized training in stress management, self-defense, and community relations, preparing them for the mental and physical demands of policing, Bisht said on Tuesday. Sri C.V. Anand, IPS Commissioner of Police Hyderabad, attended the event as a chief guest in the presence of Srimati Rakshita Krishnamurthy, IPS. Come, let's see a special report on this. आज तेलंगाना रियासत में 8000 से ज़्यादा ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड हो रहा है। हर एक ज़िले में, ज़िले हेडक्वार्टर में ये हो रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के पेटला बुर्ज ग्राउंड में 747 ट्रेनी कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड मैं यहाँ पर अटेंड किया हूँ। ये 9 महीने इनका ट्रेनिंग, हमारे 4 सिटी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको लीगल प्रोसीजर्स, जो लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, आजकल उनको बीएनएस, बीएनएसएस के नाम से हम बुलाते हैं। इस पर ही नहीं, पुलिस के जो कामकाज में जो प्रोसीजर्स हैं, फायरिंग की प्रैक्टिस हो या इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, केस स्टडीज़ हो, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, क्रिमिनल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशंस, आर्म्ड रिजर्व में जो ड्यूटीज़ होते हैं उसके बारे में, ये 9 महीने उनको बताया गया है। आज यहाँ पर उनका पासिंग आउट परेड पर हम एक बहुत ही शानदार परेड हमने देखा है। इसके दौरान ये ट्रेनी कांस्टेबल्स अपना ओथ भी लिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये मुल्क का जो लीगल सिस्टम है उसके तहत वो काम करेंगे और पब्लिक के लिए, आवाम के लिए उनका पूरा जो इम्पार्शलिटी हो, किसी की ज़रूरत हो मदद करने की, जो काम पुलिस को करना है वो सब करेंगे। उनके लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। इस तरीके का वोट उन्होंने लिया। तो इस मौके पर मैं उनको ये बताया हूँ कि ये दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके अलग से अलग होता है पुलिस की नौकरी। यहाँ पर हमको कई दिन घर से दूर रहने की आवश्यकता होती है, इमरजेंसी ड्यूटीज़ होते हैं, और उनको ये कहा हूँ कि एक बहुत ही होली ड्यूटी जैसा है। मतलब अगर एक दिन भी पुलिस काम नहीं करेगा तो ये देश नहीं चलेगा, ये रियासत नहीं चलेगी, ये शहर नहीं चलेगा। तो हमको दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के
तरह रहने की का मौका नहीं है, हमको 24 घंटे अवेलेबल रहने की ज़रूरत है। यही नहीं, मैं परिवार के सदस्य जो हैं उनसे भी अपील किया हूँ कि ऐसी नौकरी पुलिस के वुमेन कांस्टेबल्स हो, उनके शौहर जो है या उनके फैमिली जो हैं उनको मदद देने की ज़रूरत है, और जो मेल कांस्टेबल्स हैं जो पुरुष हैं उनको भी उनके फैमिली मेंबर्स से किस ताउन जो है बहुत ज़रूरी है। उनके उसके बिना वो बेचैनी से काम करते रहेंगे, और अगर उनको सताते रहेंगे तो वो काम करने में बहुत दिक्कत उनको होगी। तो ये मदद करने के लिए मैं उनको, जो इनके पेरेंट्स परिवार के जो मेम्बरान हैं उन सबको मैं अपील किया हूँ, और ये भी बताया हूँ कि ज़िंदगी भर फिटनेस, जो फिज़िकल फिटनेस है उसको मेंटेन करना है, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा जो भी कोशिश करें उसको अडॉप्ट करने एक लाइफस्टाइल के तरीके से, और अपना फिटनेस मेंटेन कर लें। आज जो यूनिफॉर्म पहने हैं जो फिट हैं उसी को आने वाले 30-35 साल भी उनको वैसे ही बनाए रखना है, और यही यूनिफॉर्म 30 साल के बाद भी पहनने की कोशिश करनी चाहिए जो मैं अपने करियर में अडॉप्ट किया हूँ। और अच्छा फिटनेस होने से नौकरी भी अच्छा करने की का मौका मिलता है। यही नहीं, फिज़िकल फिटनेस ही, मेंटल फिटनेस भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो आने वाले दिनों में हम टेक्नोलॉजी का जो देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर क्राइम हो या ड्रग्स का हो, इस सबको कंट्रोल करने के लिए ये पुलिस कांस्टेबल ऑफिसर्स जो हैं इन सबको अपने आप थोड़ा क्वालिफिकेशन हो या एक्स्ट्रा रीडिंग हो, बुक्स पढ़ना हो या कोई वीडियोस देखने हो, ये सब देखकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स हो ये सबको बरकरार रखने के लिए उनको अपील किया हूँ। तो ये ट्रेनिंग जो 9 महीने हमारे प्रिंसिपल्स, एडिशनल DCPs हो या DCPs, CR हेडक्वार्टर रक्षिता, उनके सुपरविजन में यहाँ पर